भाजपा में लंबे समय से गुटबाजी होने का दावा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि नितिन गडकरी भी भाजपा की गुटबाजी के निशाने पर रहे। सोमवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में खेड़ा बोल रहे थे, विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अब तक इस विभाग से उस रिपोर्ट के बारे में किसी जांच एजेंसी ने सवाल नहीं किया है। कांग्रेस के समय NHAI ने 40,000 करोड़ का कर्ज लिया था और अब 38,000 करोड़ तो कर्ज का प्यास है। भारत माता व द्वारका एक्सप्रेस परियोजना को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ये CAG रिपोर्ट का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। ये भारत माला परियोजना की CAG रिपोर्ट, बड़े गंभीर आरोप है, कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बड़े भारी भ्रष्टाचार के आरोप। कंपनियों ने जिनको ठेके मिले, हजारों करोड़ के ठेके जिन कंपनियों को मिले, उन कंपनियों ने अपने दस्तावेज, अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़े से बनाए और ठेके हासिल किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG रिपोर्ट कह रहा है, ये मेरी जुबान नहीं, ये CAG कह रहा है। भारत का छोटा आरोप नहीं, 1,00,000 करोड़ के बॉन्ड इन्हीं के मंत्रालय ने निकाले बिना कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अप्रूवल के। कभी हुआ है? इंग्लिश में कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या कि जो मन में आया कर दिया, जिसके मन में आया कर दिया? 1,00,000 करोड़ के बॉन्ड हमारे वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर जो लोन था, ऋण था, वो 40,000 से कम था। आज जो इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे, वो 38,000 करोड़ पे चला है। पूरा ऋण 40,000 करोड़ का हमने लिया था, इन्होंने कितना ऋण ले लिया है उसको आपका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, जिसपे इंटरेस्ट ये लोग 38,000 करोड़ का दे रहे हैं। कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले ये भी जान ले कि कांग्रेस ने ही पाकिस्तान के टुकड़े किए और के समान पाकिस्तान में दावत बनने गए। पाकिस्तान तो अब भी कांग्रेस के नाम से डरता है, मोदी पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंडे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।